दोस्तों एक बार फिर आए थोड़े वास्ते एक होर भर्ती की इनफॉर्मेशन लैके। भर्ती अपने पंजाब दे विच अनाउंस हुई है अज की, यानी कि 2 फरवरी की लेटेस्ट भर्ती है। इसकी क्वालिफिकेशन जी है प्लस टू तो शुरू होती है, प्लस टू पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तो अलावा कई पोस्टा योजी है जिसके वास्ते डिग्री चाहिए है, कई पोस्टा वास्ते डिप्लोमा चाहिए। सो आप अपनी कैटेगरी अकॉर्डिंग देख लियो जिनी थोड़ी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो कंप्लीट जानकारी वास्ते थोड़ा लेकर चलते हैं सीधा इन्हों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के वाल। दोस्तों यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इतने कई तरह की पोस्ट अनाउंस करी गई है। सब तो पहली पोस्ट की मैं गल करा यह है जी टेक्निकल असिस्टेंट की, इसके वास्ते 21 तो 40 साल विचाले एज मंगी गई है। 3 पोस्टा इन्होंने अनाउंस करी है, क्वालिफिकेशन चाहिए जी डिग्री या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का। इस पोस्ट के वास्ते जो रिटायर जेई है SDO है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, नवे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तनखा दी जाएगी जी 15,000 रुपया महीना प्लस 900 रुपया थोड़ू TA दिता जाएगा। अगे बढ़ते हैं भाई नैक्सट पोस्ट की गल करते हैं, तो यह है जी अकाउंटेंट की 21 तो 40 साल विचाले एज मंगी गई है। 4 पोस्टा ने तो इस वास्ते जी क्वालिफिकेशन है वह है जी MCOM या BCOM या CA जो किया हुआ है, 1 साल का थोड़े को एक्सपीरियंस है तो तुम इस पोस्ट वास्ते अपलाई कर सकते हो। सैलरी तुम्हें मिलेगी 11,000 रुपया महीना। नैक्सट जी पोस्ट है वो है जी कंप्यूटर असिस्टेंट की, 21 तो 40 साल विचाले एज मंगी गई है। 6 पोस्टा इन्होंने अनाउंस करी है, तो क्वालिफिकेशन चाहिए जी BCA या BSc IT या फिर BTech या फिर MCA जो तुम कर इस पोस्ट वास्ते अपलाई कर सकते हो। 11,000 रुपया थोड़ी सैलरी दी जाएगी। नैक्सट पोस्ट है जी ग्राम रोजगार सहायक की, 18 तो 35 साल विचाले इन्होंने एज मंगी है। 14 पोस्ट अनाउंस करी है, तो क्वालिफिकेशन चाहिए जी प्लस टू। तो प्लस टू के नाल जो थोड़ा डाटा एंट्री स्किल भी आती है तो तुम ईजली इस पोस्ट वास्ते अप्लाई कर सकते हो। तनखा दी जाएगी 8,500 रुपया, 900 रुपया थोड़ा ग्रेड पे दिता जाएगा। एक गल जी भाई ध्यान सुन लो, इतने जोड़े डॉक्यूमेंट लगेगा प्लस टू का ही लगेगा, तो यह बाकी इन्होंने स्किल मंगी है, ठीक है। जे नहीं आती तो तुम सीख भी सकते हो 5-10 दिन, ठीक है। ये कोई वही गल नहीं है, जो तुम प्लस टू पास हो अपलाई करना चाहते हो तो ईजली इस पोस्ट वास्ते अपलाई कर सकते हो। अगे चलते भाई अपलाई करने की गल करते हैं, तो यह जी इन ऑफिशियल साइट जिथे जाके तुम आपका फॉर्म भर सकते हो, फीस भर सकते हो। तो इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि यह जो फॉर्म है ये ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, कोई भी ऑफलाइन इन्हों का फॉर्म नहीं भरया जाएगा, ना ही ऑफलाइन फीस की पेमेंट होगी। तो सब तो पहले तुम ऑफिशियल साइट पर विजिट करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, चंगी तरह उन्होंने रीड कर लेना, जे तुम एलिजिबल हो तो अपलाई कर देना। फीस की मैं गल करा तो जोड़े SC कैंडिडेट होंगे, हैंडीकैप्ट होंगे या विधवा औरतें होंगे, उन्होंने 200 रुपया फीस लगेगी। तो बाकी भाई जनरल समेत सारी कैटेगरिया इतने फीस लगेगी 400 रुपया। सो जे तुम कोई गल ना समझ आई तो इन्होंने नंबर के उत्ते गलबात कर सकते हो। किसी भी कम वाले दिन 9 तो 5 बजे दौरान तुम संपर्क कर सकते हो, या फिर लुधियाना इन्हों का जो दफ्तर बनया हुआ उत्थे जाके भी तुम गलबात कर सकते हो। क्लोजिंग डेट जी है सुन लो ध्यान, 15 फरवरी 2021 शामी 5 बजे तक फॉर्म की क्लोजिंग डेट है। इस वे तक तुम आपका फॉर्म जो अपलाई कर दो, 2 तरीक तक आज होगी, ठीक है। तो यह पोस्ट अनाउंस की गई है जी मनरेगा अधीन, तो इतने लुधियाना के वालों ये पोस्टा जी है अनाउंस करी गई है। निरोल ठेके बेस से भर्ती रहेगी, बाकी भाई बाद के रेगुलर होंगे या नहीं होंगे इस बारे कुछ लिखा नहीं है। फिलहाल यह ठेके बेस भर्ती होगी, तो इस थोड़ा रिटर्न वगैरह भी लिया जाएगा। तो यह कुछ नंबर की डिटेल इन्होंने लिखी हुई है, जिम्मे कि मैं टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के वास्ते गल करा तो इंटरव्यू के थोड़ू जो है मैक्सीम 10 नंबर दिए जाएंगे, एक्सपीरियंस के मैक्सीम थोड़ू 5 नंबर दिए जाएंगे, रिटर्न जो एग्जाम होगा भाई मैक्सीम 70 नंबर का होगा। बाद इतने थोड़ी क्वालिफिकेशन के नंबर भी थोड़ा दिए जाएंगे, मैक्सीम 15 नंबर होगी, जिम्मे कि 10वीं के 5 नंबर होंगे, प्लस टू के 5 नंबर होंगे। तो इस तरीके देख लो भाई ग्रेजुएशन के 3 नंबर दिए गए, पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 नंबर होंगे। तो इस तरीके इतने नंबर की वंड की जाएगी, तो मैक्सीम जो नंबर होंगे वो होंगे भाई 100, जिमें कि 70 का रिटर्न हो गया, 15 का इंटरव्यू तो एक्सपीरियंस हो गया, तो 15 क्वालिफिकेशन दोगे, कुल मिला के 100 नंबर का थोड़ा एस्टीमेट टारगेट रहेगा। तो उस तो बाद कंप्यूटर असिस्टेंट का देख लो, तो इतने तुम देख सकते हो अकाउंटेंट का, तो इस तो बाद इतने ग्राम रोजगार सहायक का शेड्यूल शो हो रहा है। तो इस इंटरव्यू के भी थोड़ा 10 नंबर होंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस के 5 नंबर होंगे, तो उस तो बाद 70 नंबर का थोड़ा रिटन एग्जाम रहेगा। एडमिशन के नंबर भी थोड़ा दिए जाएंगे, 10वीं के 5 नंबर, प्लस टू के 5, ग्रेजुएशन के 3, पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 नंबर। तो इस तरीके भाई तुम आ जो नोटिफिकेशन है वधिया तरीके रीड कर लो, थोड़ा सारी गलबात समझ आ जाएगी। तो थोड़ा जो नैगेटिव मार्किंग का सिस्टम भी रहेगा भाई, 1/4 नंबर जो कट्टे जाएंगे, एक जे गलत सवाल तुम करते हो उस दे, ठीक है। तो काफ़ी इनफॉर्मेशन है भाई इन्होंने लिखी हुई, 10वीं पंजाबी भी पास होना लाजमी है। तो सारी इनफॉर्मेशन तुम रीड कर लियो, जो थोड़ा कोई डाउट रहता है, कोई गल नहीं समझ आती, कमेंट करके पूछ लियो। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उदों तक के लिए रब रखा।